लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। नागपुर शहर में वट पूर्णिमा व्रत यह त्योहार मनाया गया। यह व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। साल 2023 में वट पूर्णिमा व्रत के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। ये शुभ योग शिव योग, सिद्ध योग और रवि योग है। इन योग को पूजा पाठ शुभ कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती है तथा वट की पूजा अर्चना तथा परिक्रमा कर पुत्र कामना तथा सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। इस दिन वट वृक्ष को जल से सींच कर उसमें सूत लपटते हुए उसकी 108 बार परिक्रमा की जाती है। इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें इन सुहागिनों ने महाराष्ट्र टीवी 24 को बताई। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म से वट का गहरा नाता है। वट वृक्ष एक और शिव का रूप माना गया है तो दूसरी ओर पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। अतः सौभाग्यवती महिलाएं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत कहते हैं। नागपुर शहर के गांधी सागर स्थित परिसर में सुहागन महिलाओं ने सादगीपूर्ण वट वृक्ष की पूजा कर वट सावित्री पर्व मनाया, जहां सुहागिन महिलाओं ने साज श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। बच्चों ने भी इस परंपरा का अनुभव लिया। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें इन सुहागिनों से। सबको लगता है कि जैसे सावित्री ने अपने पति को लंबी उम्र दी, उनको यमराज के मुंह से लाए, तो वैसे सभी को ऐसा लगता है कि हमें भी अपने पति को ऐसे ही अखंड, हमारा सौभाग्य ऐसा ही रहे, उनको बहुत लंबी उम्र मिले, यही हम भगवान से इस दिन कामना करते हैं। बस एक ही उसका एक ही मकसद है कि 7 जन्म ऐसा ही पति मिले और उसको उनको बहुत लंबी उम्र मिले। हमारी उम्र भी उनको लोग ऐसा हमें लगता है, इसलिए हम ये पूजा सब सुहागने करती है। हम उपवास रखते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाते, उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर यहाँ पे आके पूरी हम पूजा करते हैं। कुछ इसके पूजा विधि होती है, वो विधि के अनुसार हम पूजा करते हैं और भगवान से हम लंबी उम्र के लिए उनकी कामना करते हैं। उनके जैसे वैसे तो हम सामने महादेव भगवान है, उनकी पूजा करते हैं, सब उनको ही अपने पति के यानी लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। उनके बहुत सारे व्रत है, लेकिन ये हमारा आज का बहुत खास व्रत होता है। सभी सुहागने करती है ये और बहुत मन से करती है। बस यही मांगा कि मेरे पति को यानी निरोगी जीवन मिले, उनको लंबी उम्र मिले और बहुत जीवन में बहुत यश मिले, उन्नति हो उनकी। ये मुझे अभी 20 साल हो गए। काय असतं की हे वडाचं झाड असतं ना, त्याचं आयुष्य हे जास्त असतं आणि त्याचं महत्त्व हे असतं की आपण जर त्याची पूजा केली आणि त्याला म्हटलं की माझ्या नवऱ्याला एवढं आयुष्य दे बा, तर ते नक्कीच देतं असं आमच्या स्त्रियांची मन असतं। त्याच्यामुळे त्याच्या त्या दिवशी पूर्ण उपवास करायचा असतो सकाळपासून तर रात्रीपर्यंत। फ्रूट्स वगैरे खायचे असतात, कोणाला जे वाटलं ते खातात, कोणी काही खात पण नाही, आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी तो सोडायचा असतं जेवण करत, म्हणजे 12 अगोदरच। ॲक्च्युली ती पूजा म्हणजे आपल्या वडाच्या झाडाची पूजा केली जाते हळद कुंकू लावून। सगळ्यात पहिले तर विडा ठेवला जातो गणपतीची, पहिले गणपतीची पूजा करायची, त्याच्यानंतर झाडाची पूजा करायची, त्याला 5 वेळा धागा बांधायचा, अजून हळदीची पिंड पण ठेवतो आम्ही, आणि त्याच्यानंतर त्याला ओटी भरायची असते। ओटी म्हणजे गहू ठेवायचं, अजून त्याच्यानंतर एक आंबा ठेवायचा, आंब्याला 5 वेळा धागा बांधून तो ठेवायचा। बायांना हळदी कुंकू द्यायचं, हळदी कुंकू दिल्यानंतर प्रत्येक बाईची ओटी भरायची। त्याचं कारण हेच असतं की 5 टाइम्स त्याला प्रदक्षिणा घालायची असते। 5 हा अंक चांगला समजला जातो, शुभ समजला जातो। आपण देवालाही प्रदक्षिणा 5 वेळा करतो, त्याच्यामुळे त्या झाडालाही धागा 5 वेळा बांधला जातो। बाकी असं महत्त्व वगैरे काही नसतं, पण ते असतं ती विधी असते, त्याच्यामुळे ते तसं करावंच लागतं। हिंदू संस्कृति में इसका बहुत बड़ा इतिहास है। मान्यता है कि जो सुहागन इस दिन वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती है, उन्हें माँ सावित्री और त्रिदेव का आशीर्वाद से अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने पति की रक्षा के विधि के विधान तक को बदल दिया था। पुराणों के अनुसार पति को संकट से उबारने के लिए सावित्री ने घोर तप और व्रत किया था, लेकिन साथ ही वट पूर्णिमा का संदेश है कि पेड़ों का सोच समझकर संरक्षण करना चाहिए और वैकल्पिक रूप से पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। इस खास दिन का महत्व जानते हैं सुहागनों से। एक मुलगी राहत होती आणि ती जंगलात फिरत होती, पण ती राजकन्यास निघाली आणि तिला एक सुंदरसा मुलगा मिळाला
आणि तो पण राजातलाच होता, राजपुत्रच होता. तर ती तर त्याने फिरता फिरता त्याला यमदूताने यमदूताच्या जवळ हे झाला तो गेला. तर सती गेली आपल्या राजकुमारापाशी आणि त्याने म्हटले की यमदूता माझ्या पतीचे प्राण, मी याला पती मानते, तुम्ही याचे प्राण वाचवा आणि मला परत द्या. तर ती सती जाऊन त्याचे यमदूताने प्राण तिला वापस केले. तेव्हापासून सगळं महिला या वडाच्या जाताला वडाच्या झाडाला पूजा करत आहे आणि सगळेजण याची प्रार्थना करत आहे. वटपौर्णिमेचा उपास याच्यासाठी केला जातो की ही जे सत्यवानासाठी सावित्रीनी जे एम आलेला असतात आणि त्यांना घेऊन जायसाठी, तर ती सत्यवती जी असते तर ती त्याला नेऊ नाही देत. म्हणते मी माझ्या पतीला नेऊ देणार नाही, ती थांबवते यमाला आणि तेव्हा यम वापस जात असतो. त्याच्यामुळे हे वटसावित्री म्हणजे खूप महत्त्व आलं. तेव्हापासून वडाच्या झाडाची पूजा केली जाते सौभाग्यवती यांनी आणि सात प्रदर्शिन्या घालून सात जन्मासाठी आपल्या म्हणजे पतीसाठी लंब आयुष्य मागितला जातो असतो. म्हणून हा वटसावित्रीचा वाद आजच्या दिवशी सगळ्यांनी नाही नाही असं काही नाही आहे. पण आता सुनेला माहिती नसतं म्हणून सासू घेऊन जात असते. हे परंपरा सुरू असतं असं, बाकी सासू सुनेचं काही नसतं. हे आपल्या पतीसाठीच मागितलेलं असतं वरदान फक्त, की माझा सात जन्म सात फेऱ्या घालून वटाला धागा बांधतं की सात जन्म मला हाच पती म्हणजे सात आयुष्य जन्मजन्मी मला हाच पती. हो माझा संसार छान सुखाणी चाललेला आहे. माझ्या मिस्टरांना मी हेच म्हणते की मागते देवाला की माझ्या मिस्टरांना सात जन्मी आम्ही असंच सोबत असावं, सोबत सात जन्म असंच निघावं आमचे. महाराष्ट्र TV 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीतवार के साथ रिंकू पांतावने की रिपोर्ट. सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर. सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर. अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी. कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999. सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल नागपुर हैज बीन ड्रीमिंग विद एस्पिरेशन सिंस इट्स इंसेप्शन एंड वी आर मार्चिंग फॉरवर्ड विद अ बिग बैंग इन आवर वेंचर्स. आवर स्कूल हैज ऑल द एमिनिटीज फॉर स्पोर्ट्स, लेबोरेटरी फॉर लैंग्वेजेस, मैथ्स, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.